योगाहार के साथ साथ हम हमारे जीवन में जो उपयोगी बातें हैं उसको भी साथ में हम लेते रहते हैं। हेल्थ अकेला काम का नहीं है। आप खान पीन में ध्यान रखोगे तो आपका शरीर तो ठीक रहेगा, बीमारी नहीं आएगी, लंबा जीवन आप जी पाओगे, आनंद पूर्वक जी पाओगे, वो तो मिलने वाला ही है। और दुनिया में मनुष्य के अलावा जितने भी प्राणियां हैं, पशु पक्षी सब जीव, वो हेल्दी ही होते हैं, वो कभी बीमार पड़ते ही नहीं है, वो खुश ही है। लेकिन हमारे जीवन और उनके जीवन में कुछ तो फर्क होना चाहिए, और कुछ तो फर्क है। तंदुरुस्ती तो दुनिया में सबको मिली हुई है, मनुष्य के अलावा सब प्राणी पशु पक्षी को है। लेकिन जीवन का जो सही आनंद होना चाहिए वो है या नहीं है? हमको मनुष्य का अवतार क्यों दिया गया है? क्योंकि आत्मा, हमारे शास्त्र तो ऐसा ही बोलते हैं कि आत्मा शरीर मनुष्य के शरीर में भी है और प्राणी पशु पक्षी में भी है। तो प्राणी पशु पक्षी में जो आत्मा है और मनुष्य के अंदर आत्मा है, वो दोनों एक ही है, उसमें तो कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है। तो वो लोग निरोगी है, तंदुरुस्त है, मनुष्य ही बीमार है। तो हमको तंदुरुस्ती तो पहला चाहिए, हेल्दी शरीर तो चाहिए, साथ में हमारा जीवन भी हेल्दी होना चाहिए। हमारा समाज, हमारा घर, वो तंदुरुस्त, यानी हेल्थ अकेला नहीं, आर्थिक के हिसाब से, सामाजिक परिप्रेक्ष्य के हिसाब से, पैसे चाहिए, ज्ञान चाहिए, एजुकेशन चाहिए, सोसाइटी में आपका कुछ वैल्यू होनी चाहिए, आप अच्छे लोग हैं ऐसा लोगों को लगना चाहिए, ये सब चाहिए। तो इसके लिए हमको क्या करना है? आहार विहार से तो शरीर ठीक रख पाओगे, लेकिन जीवन में हमको और क्या चाहिए? तो सबसे पहले जीवन में चाहिए आपको, पैसों से ज्यादा चाहिए शांति। आपको जीवन में शांति नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। आपका मन शांत होना चाहिए। आप जो भी काम करते हो, चाहे बिजनेस करते हो, नौकरी करते हो, या छोटा मोटा जो भी काम करते हो आप, क्योंकि घर चलाना है तो पुरुष लोग पैसे के लिए काम करते हैं और बहनें अपने घर को संभालने का काम करते हैं। तो आप पुरुष है, काम धंधा करते हैं, तो आप जहां काम करते हो वहां आपको शांति होनी चाहिए काम करने की। घर में जो बहने रहती है उसको ये भी शांति रहनी चाहिए कि हर महीने मेरे घर के लिए जो पैसे की जरूरत है वो मेरे घर वाले पूरा कर लेंगे, और घर के लोगों की सेहत अच्छा रहे इसके लिए मन की शांति उनकी आवश्यक है। क्योंकि वो मन की शांति होगी तो अच्छा खान पाना, खाने पाने की चीजें बना पाएगी, घर का वातावरण अच्छा रहेगा, बच्चों का विकास अच्छा होगा, बच्चों की मानसिकता और बच्चों को जो नॉलेज देना है, सिखाना है, संस्कार देना है, वो सब अच्छी तरह बहने दे पाएगी। अब उनके मन में उचाट रहेगा, शांति नहीं है, तो उनको वो अच्छी तरह कर नहीं पाएगी, घर संभाल नहीं पाएगी। फिर आप देखिए विदेश में जाइए तो वहां गृहस्थी इतनी अच्छी नहीं है। लोग पूरे जीवन में दो दो पांच पांच बार शादी करते हैं और उससे छूट भी जाते हैं, तो डिवोर्स भी ले लेते हैं, नई शादी रचाते हैं, बच्चे जो पुराने होते हैं वो या तो उनके साथ रहते हैं या पुराने के साथ रहते हैं, उनको भी उनके जीवन में कोई शांति नहीं है। तो हमारी संस्कृति क्या कहती है कि भी आप आपकी जीवन में बार बार शादी मत कीजिए, एक ही बार होनी चाहिए, जो भी करो उसको समझदारी से करो, अच्छा देख के करो। और लाइफ पार्टनर तो हमारे शास्त्र ऐसा बोलते हैं कि वो हमारा जो कर्म है, वो आपके घर के अंदर जो नए बच्चे आते हैं आपकी जिसके साथ शादी होती है वो भी कर्म के अधीन है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं।
आपके हाथ में नहीं है, आपने जो कर्म किए हैं उसी का रिजल्ट आपको मिलता है। तो परिण कर्म कहीं छूटते नहीं है, वो कहीं भगवान किसी को छूटता नहीं है। आप जो काम करोगे वैसा फल पाओगे, वो पक्का ही है। तो आपके अभी के जीवन में भी शांति हुए और अगले नेक्स्ट जो भी जीवन आपको मिलने वाला है, क्योंकि वो रोटेशन चलने वाला है और इसमें से हम बाहर निकल नहीं सकते हैं आसानी से। बहुत कम लोग जो होते हैं उसको दोबारा दूसरे जन्म लेने की नौबत आती है। तो जो लोग भक्ति युग में जाते हैं, कर्म युग में मानते हैं, ज्ञान युग में मानते हैं और जीवन इसी तरह चलाते हैं, वो लोग छूट जाते हैं, मोक्ष मिल जाता है। तो शिवा जीवन में शांति चाहिए और शांति के लिए मन शांत चाहिए, और मन शांत के लिए आपकी इंद्रियों पे आपका मन का काबू रहना चाहिए। और इंद्रियों का काबू तभी आएगा जब आप श्वास को कंट्रोल कर पाओगे। यानी योग शास्त्र ऐसा बताता है कि जो व्यक्ति अपने श्वास को काबू कर सकता है, वो अपने इंद्रियों को भी काबू में ले सकता है। और इंद्रियों जब काबू में आ जाते हैं तो उनका मन शांत हो जाता है, फिर इंद्रियों की गुलामी में से बाहर आ जाता है। तो घर के सारे व्यक्ति को मन शांत करना है, धीरज का गुण बढ़ाना है, मेडिटेशन ज्यादा करना है, ध्यान ज्यादा करना है, तो उनको अपने श्वास को काबू करना सिखाना पड़ेगा। सिर्फ आहार से काम होने वाला नहीं है। आप आहार भी जल्दी जल्दी खाओगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। धीरज होनी चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। तो जो लोग श्वास धीमा कर सकते हैं वो सब कुछ कर सकेंगे, उनका ही मन शांत रहेगा। तो ये आपको हर व्यक्ति को, घर के सारे फैमिली मेंबर्स को ये बातें बतानी है कि भी हर व्यक्ति की श्वासोश्वास के ऊपर अपना कंट्रोल होना चाहिए, यानी प्राणायाम हर रोज प्रैक्टिस में लेने हैं। दूसरा एक बात ये है कि भी आपका जो शरीर है वो वन टाइप ऑफ मशीन है, कुदरत ने बनाया हुआ मशीन है। जैसे मनुष्य गाड़ी बनाता है तो गाड़ियां अलग अलग प्रकार की, कोई डीजल की हो, कोई पेट्रोल की है, कोई इलेक्ट्रिक से चलती है, तो वो हर मशीन अलग है। इसी तरह मनुष्य का शरीर भी कुदरत ने बनाया हुआ एक मशीन है। तो मशीन को कैसे संभालना है? हम गाड़ी को ठीक रखने के लिए जैसे बार बार गैरेज में चले जाते हैं सर्विस के लिए, इसी तरह आपके शरीर का मेंटेनेंस के लिए उनकी रख रखाव कैसे किया जाए, वो भी आपको सीख लेना आवश्यक है। तो सबसे पहले प्राथमिकता इसी को दीजिए, शरीर को ठीक रखने की नॉलेज जो है वो सबसे पहले प्राथमिक होनी चाहिए, प्राइमरी में होना चाहिए, और बाद में दूसरे मशीनों की नॉलेज होनी चाहिए। आप गाड़ी को कैसे ठीक करना है वो नहीं सीखोगे तो चलेगा, लेकिन आपके शरीर को कैसे ठीक रखना है वो नॉलेज नहीं होगा तो जीवन का कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात है, आपको ध्यान रखनी है कि हमारा जो शरीर है, हमारी जो नेचर है, जो कुदरत है और पूरा ब्रह्मांड, वो पांच तत्वों के ऊपर अधीन है, अग्नि वायु जल भूमि और आकाश। तो अग्नि वायु जल भूमि और आकाश है पांच तत्व, पांच प्रकार की देवी शक्तियां है। वो ही इसी को ही हम ईश्वर मानते हैं, उसी को ही देवी शक्ति मानते हैं, और वही ब्रह्म है, वही शिव है, वही शक्ति है। तो पांच तत्वों की जो ताकत है, वो पांच तत्व की जो ताकत है ना, वो ही पूरी दुनिया को चलाती है। और ये पांचों तत्व जहां एक साथ होते हैं वहां जीवन होता है। आप विश्व उत्तर ध्रुव में या दक्षिण ध्रुव में चले जाइए, वहां आपको जल मिल जाएगा, भूमि मिल जाएगा, आकाश मिल जाएगा, लेकिन अग्नि नहीं मिलेगी। अग्नि की कमी है इसीलिए वहां जीवन नहीं है। वायु तत्व भी मिल जाएगा लेकिन अग्नि की इतनी है नहीं वहां। अच्छा, आप रण में चले जाइए, वहां जल तत्व नहीं मिलेगा, तो वहां अग्नि पुष्कर है, हवा है, भूमि तत्व है, आकाश तत्व है, लेकिन जल तत्व नहीं है, तो वहां जीवन नहीं है। तो पांचों तत्वों का कोऑर्डिनेशन होने के बाद ही जीवन पलता है, फैलता है, नया बनता है। तो ये पांच तत्व ही हमारे देव है, देविया है, उसी को हर रोज हमको पूजन करना चाहिए कि भी ये पांचों तत्वों की जो ताकत है, देवी शक्तियां है, हमारे शरीर में कायम बनी रहे,
उसके लिए आपको हर रोज संकल्प करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए भगवान को, आपके जो भी ईश्वर की आप सेवा पूजा करते हो उनको, ये 5 तत्व आपके शरीर में कायम बने रहे उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। दूसरा, जीवन में शांति और सुख शांति रहे इसके लिए हर रोज कुछ नया सीखने की उम्मीद बनाए रखो। उससे उम्र के साथ कुछ लेना देना नहीं है। आपकी उम्र कुछ भी हो, बूढ़े होने लगे हो, लेकिन जो नहीं सीखे हैं जीवन में उसको सीखने का प्रयत्न करो, सीखते रहो। आपने पूरी जिंदगी पैसे के लिए जीवन निकाला है, तो अभी योग नहीं सीखा है तो योग को सीखो। आपके आसपास में जहां भी गार्डन है वहां योग क्लास चलते होंगे, आप जाइए वहां, आसन प्राणायाम षटकर्म जो भी है बंद, ये सब सीखिए। तो जहां से जो सीखना मिल जाए उसको सीखते रहिए, भले वो आपको लगता हो मेरे काम का नहीं है लेकिन उसको सीखो। आप गाड़ी लेके गैरेज चले गए हो तो गैरेज वाला जो काम कर रहा है, आप वहां बैठ के गपाटे मत मारे, आप वो काम कर रहा है उसको देखते रहो कैसे काम कर रहा है। शायद कभी जीवन में आपको ऐसा ही काम, उस टाइम आपको कारीगर न मिले तो आपको ही करने की नौबत आ जाए, तो उस टाइम आप कर पाओगे। तो ये आप देखते रहोगे तो कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। दूसरा, आज का जमाना जो है ना वो सोशल मीडिया का है, तो सोशल मीडिया में व्हाट्सएप और फेसबुक, ये दोनों सबसे ज्यादा हमारे जीवन में लग गए हैं। गूगल भी लगा हुआ है, तो जितना टाइम आप अपने गूगल को, आप व्हाट्सएप को और फेसबुक को देते हो, इतना और इससे ज्यादा अपने घर वाले को, घरवाली को दो, उनके साथ रहो। हाँ, उसको उसको भी टाइम दो, क्योंकि वो आपकी अर्धांगिनी है, आपके पतिदेव है, आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, उनके साथ। तो सोशल मीडिया से ज्यादा टाइम आप आपके फैमिली मेंबर्स को दीजिए, तभी आपका जीवन का कोई मतलब रहेगा। मैंने देखा है और सुना है कि कई बड़ी उद्योग ग्रहों के जो मालिक है, करोड़ों के मालिक है, वो जब घर जाते हैं शाम को तो मोबाइल को स्विच ऑफ करवा दिया जाता है और फैमिली के सारे मेंबर एक साथ बैठ के बातें करते, भोजन करते हैं कि पूरे दिन में क्या हुआ, क्या नए सीखा, उसके ऊपर चर्चा होती रहती है। तो हमको भी ये आदत में डाल देना चाहिए। दूसरा, मनुष्य का जो अवतार मिला है आपको वो आनंद के लिए है, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हंसना रोना ये सब मनुष्य ही कर सकता है, दूसरे प्राणी पक्षी नहीं कर सकते हैं। तो आपके जीवन में आनंद होना चाहिए, चाहे वो खान पीन में हो, खाने की चीजें खानी है तो वो भी अच्छी लगनी चाहिए। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आप रॉ फूड की चीजें खाइए, शरीर के लिए अच्छी है लेकिन वो टेस्टी होनी चाहिए, आपको खाने में आनंद आना चाहिए, मजा आनी चाहिए। लेकिन आप जो जो चीज में आनंद ले रहे हो, खाने में ले रहे हो, ड्राइव, किसी लोगों को ड्राइविंग करने में मजा आती है तो आपकी ड्राइविंग में आपको आनंद मिल रहा है तो लीजिए, कोई मना नहीं है, लेकिन आप ऐसी जगह जाके ड्राइविंग कीजिए और आनंद लीजिए, वहां किसी को आपके आनंद, आपका मजा किसी का सजा ना हो जाए। आप देखते हैं कि रोड पे जो बाइक वाले जुवान लोग होते हैं वो रोड पे अपने ड्राइविंग का आनंद लेते हैं लेकिन दूसरे को टेंशन में लेके आ जाते हैं, टेंशन आ जाते हैं दूसरे लोगों को कि वो एक्सीडेंट हो जाएगा तो क्या होगा। तो आपकी मजा दूसरे की सजा नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रहे। तो ऐसी तरह आनंद लीजिए कि दूसरों को उसका कोई नुकसान ना हो, वो ध्यान रहे। आपका वाणी व्यवहार वर्तन ऐसा होना चाहिए, किसी को, मनुष्य को तो ठीक है, किसी जीव जंतु को भी उसकी दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि आपकी वाणी व्यवहार से, आपके हलचल से। आप रास्ते में जा रहे हो चल के, तो आप चलते हो तो आपके जूतों की आवाज ऐसी नहीं आनी चाहिए कि रास्ते में सोया हुआ कुत्ता सोया उसकी नींद भंग हो जाए। आप सीढ़ियां चढ़ते हो तो बिल्कुल धीमी आवाज से, हाँ, लगना नहीं चाहिए कोई चढ़ रहा है। तो आपके वाणी व्यवहार वर्तन से दूसरे को दिक्कत ना आ जाए। कई लोग ऐसे होते हैं, पड़ोस में बच्चे पढ़ रहे हैं और अपने ही घर में फुल वॉल्यूम टीवी चलाते हैं, म्यूजिक चला लेते हैं,
और खुद के आनंद आनंद खुद लेते, लेकिन पड़ोसी के बच्चों को उसका नुकसान हो रहा है वो ध्यान में नहीं रखते हैं। तो ये एक गलत है, पाप है। आपको लगेगा कि नहीं मैं कहाँ पाप कर रहा हूँ, लेकिन इनडायरेक्टली आप पाप कर रहे हो। तो इसमें आप ध्यान रखें कि भी आपकी वजह से दूसरे को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। दूसरा, समय परिवर्तनशील है। 50 साल पहले का समय देखिए, आज का समय देखिए, और आने वाले 50 साल में क्या समय चेंज हो जाएगा वो ध्यान में रखो। कभी समय परमानेंट नहीं चलता। आपको अभी दिक्कतें चल रही है, आपकी फैमिली में परेशानियां चल रही है, तो ये समय भी चला जाएगा। हाँ, आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे, वो पैसे कमाने लगेंगे, तो आपके जीवन में आनंद प्रमोद आ जाएगा। वो चेंज आने वाला ही है। कभी किसी का एक समय रहता नहीं है। हाँ, तो गुजराती में तो कहावत है, दुखना दाड़ा औषध दाड़ा, दुखनु औषध दाड़ा। मतलब समय आपका पसार हो जाएगा तो आपका वो चेंज हो जाएगा। तो समय को मान दीजिए, सम्मान दीजिए। आपका खराब समय चल रहा है तो धीरज पूर्वक जिए। हाँ, लोगों के साथ संबंध बिगड़े नहीं, उसका ध्यान रखे, और आपका खराब समय और नुकसान न करे और समय पसार हो जाए। और जो खराब समय आने के पीछे जो वजह थी उसको ढूंढ लीजिए, सीख लीजिए कौन सी गलतियां की थी, इसके हिसाब से आपका समय खराब चल रहा है, वो सबको सुधार लीजिए। ये मौका मिल रहा है आपको सुधरने का, आपके जीवन में चेंज लाने का। क्योंकि आपको ऐसी कोई घटनाएं नहीं बनती है तो आप नया कुछ सीखते नहीं है। ये कोरोना आया तो लोगों को क्या क्या सिखा लिया आपने, आपको पता है? हाँ, सबको हेल्थ कॉन्शियस बना दिया, वेल्थ कॉन्शियस बना दिया, कि भी पैसे के आड़े तक पैसा मत खर्च करो, तकलीफ आ जाएगी तो उस टाइम पैसे काम में आएंगे, तो ये सब सिखा लिया। फैमिली के साथ रहने के लिए भी सिखा लिया और घर पे रहने के लिए भी सिखा लिया। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। दूसरा, आप लोगों को दूसरे लोगों की तरह नहीं जीना है। जैसे कई लोग ऐसे हैं कि बस खाया पिया काम किया, सुबह से शाम तक मजदूरी किया, खाना खा के सो गए, दूसरे दिन सुबह वही, तो पूरी जिंदगी वो रोबोट की तरह या गधे की तरह या बैल गाड़ी वाले जो बैल की तरह बस मजदूरी में ही चली जाए, ऐसी नहीं होनी चाहिए। आपको जीनियस बनना है। दूसरे लोगों के जीवन में आने वाली समस्याओं में से आपको हर रोज कुछ नया सीखता रहना है, और उन लोगों के जीवन में जो समस्याएं आई है वो आपके जीवन में न आए इसके लिए अलर्ट रहना है, देखते रहना है और कंपैरिजन करते रहना है कि भी उनके जीवन और मेरे जीवन में क्या अंतर है। उनके वहां ये समस्या आई तो मेरे जीवन में ऐसी आ सकती है क्या? हाँ, किसी की लड़की भाग गई तो वो क्यों भाग गई, मेरे घर में लड़की है तो वो तो नहीं भाग जाएगी ना। उसके लिए मुझे क्या प्रिकॉशन करना है, मुझे क्या उनके साथ संवाद करते रहना है, उनके साथ क्या क्या बातें करते रहना है, उनके साथ फ्रेंडशिप करनी है कि वो ऐसा कोई गलत एक्शन ले नहीं। तो सब ये सब सीखते रहिए, जीनियस भी नहीं बनिए। किसी के वहां हुआ है और आपके वहां नहीं होगा, ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिए। हाँ, सबके बारे में चर्चा करते रहिए, देखते रहिए लोगों के प्रश्नों, भले आपके प्रश्न नहीं है लेकिन मान लो आपके वहां वो प्रश्न आया है तो आप उसका समाधान कैसे निकालेंगे, उसके ऊपर आप बातें करते रहिए, चर्चाएं करो घर के फैमिली मेंबर के साथ, तो आप जीनियस होते जाएंगे। धीरे धीरे आपके जीवन में बहुत शांति आ जाएगी। शरीर को ठीक रखने के लिए एक्सरसाइज या तो योग प्राणायाम वो सब करते रहेंगे, वो भी एक नियम बना लीजिए। शरीर और मन दोनों को, तन और मन को तंदुरुस्त रहना ये हमारी ड्यूटीज है, फर्ज है। क्योंकि आप बीमार रहो और आपके फैमिली मेंबर्स उसके हिसाब से दिक्कत में आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उनके लिए आपको स्लो डीप ब्रीदिंग, धीमा लांबा अने ऊंडा श्वास, ये प्रैक्टिस आप सबसे ज्यादा कीजिए। ठीक है। दूसरा, कि भी हमारे जो फैमिली होती है, हमारा संसार जो है, उसमें पुरुष और स्त्री दोनों का रोल सेम ही है। आप ऐसा मत मानिए कि दुनिया पुरुष चला रहे, और ऐसा स्त्री हो है तो आप ऐसा मत मानिए कि स्त्री चला रही है। दोनों का रोल इम्पोर्टेंट है, दोनों सेम जिम्मेदारी के साथ जी रहे हैं। स्त्री जितनी है वो शक्ति का स्वरूप है, और जितने पुरुष है वो शिव का स्वरूप है।
इसको मान लीजिए आप, तो शिव और शक्ति दोनों का अस्तित्व है और आपको मोक्ष चाहिए, तो मैं ऐसा मानता हूं, चाहे उसमें गलत हो सकता हूं, कि पुरुष जो लोग हैं उनको स्त्री की आराधना करनी चाहिए, उनकी भक्ति करनी चाहिए, सेवा पूजा करनी चाहिए, स्त्री शक्ति जो देविया है उनकी, और जो पुरुष जो स्त्री है उनको शिव की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि स्टेबिलिटी, ये प्लस और माइनस दोनों जुड़ते हैं तभी स्टेबिलिटी आती है, इसके अलावा नहीं आती है। तो नॉर्थ और साउथ दोनों पोल जो है वो एक दूसरे को खींच रही है, इसीलिए पृथ्वी टिकी हुई है। तो जीवन में स्थिरता तभी आएगी कि आप विरुद्ध जो दिशाएं है, यानी प्लस या मानी, यानी शिव और शक्ति, तो ये दोनों को आपस में जुड़ना पड़ेगा तभी स्थिरता आएगी। तो जीवन में मैं ऐसा मानता हूं भक्ति के अंदर भी, कि पुरुष लोगों को देवी शक्तियों को सबसे ज्यादा उनकी पूजा पाठ करनी चाहिए अपने जीवन के लिए, और स्त्रियों को शिव को ज्यादा पूजना चाहिए, और वही शिव शक्ति ही हमारे जीवन की आराधना होनी चाहिए। आपका जो जाति है, क्योंकि हमारे देश के अंदर जातिवाद बहुत चलता है, कई लोग बोलते हैं मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं शूद्र हूँ, तो ये जो जाति के अंदर जो आपकी जो मानसिकता है उसमें से बाहर आइए। जातिवाद का जो ज्यादा प्रचार प्रसार, ये मुगल शासन और अंग्रेज काल में ही हुआ है, आप इसके आगे सतयुग में देखिए, तो रामायण लिखने वाले वाल्मीकि वो लुटारे थे, आदिवासी थे, उन्होंने रामायण लिखी। भगवद गीता जिन्होंने लिखी थी वो मच्छी पुत्र थे, शूद्र, जिसको बहुत लोअर कैटेगरी वाली मानी जाती है जाति, उन्हीं उसी के ही संतान थे। तो सतयुग में जातिवाद नहीं था, और आप अभी जो जाति में जन्म हुआ है आपका, वो जन्म बार बार मिलने वाला नहीं है। आप चाहे आप अभी आप ब्राह्मण हो, लेकिन आपका अगला जन्म क्षत्रिय में होगा या शूद्र ज्ञाति में होगा, कहीं भी जा सकते हो। तो हर ज्ञाति मायने रखती है, और ज्ञाति से आपकी पहचान नहीं है, आपके कर्म से है। आप क्या काम कर रहे हो? मान लो आप सैनिक हो, मिलिट्री आर्मी में हो, और आप सरहद पे काम कर रहे हो, अपनी देश की बाउंड्री को संभाल के बैठे हो, तो आप क्षत्रिय हो, भले आपका जन्म किसी भी ज्ञाति में है। आप टीचर हो, प्रोफेसर हो, आप लोगों को ज्ञान देने का काम कर रहे हो, तो आप ब्राह्मण ही हो कर्म से। ब्राह्मण के लिए जन्म ब्राह्मण कुल में होना जरूरी नहीं है, ये ध्यान रखो आप, और उसी के हिसाब से जीवन जिए, ठीक है? तो मंदिर जो होता है वो हमारे लिए प्रतीक है। मंदिर के अंदर जो मूर्ति होती है उसके अंदर भी प्राण प्रतिष्ठा होती है, तो ऐसा नहीं है कि वो मंदिर की जो मूर्ति है वो फिर प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद वो मनुष्य की तरह काम कर पाएगी, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो पत्थर है, तो पत्थर मनुष्य का शरीर नहीं बन सकता, लेकिन उसका एक प्रभाव होता है, वो स्थिर है। आप जब मंदिर में जाके बैठते हो तो मूर्ति के अंदर जो प्राण है, जहां लोग आके अपने प्राण ऊर्जा को बढ़ाने का काम करते हैं, बैटरी चार्ज करते हैं, इसी तरह आपकी ऊर्जा भी वहां बैटरी चार्ज होगी, आपको उसका कुछ अलग फीलिंग आएगा। तो मंदिर भी आवश्यक है, ऐसा नहीं है कि मंदिर की जरूरत नहीं है, मंदिर की जरूरत है, शैक्षणिक संस्थाओं की भी जरूरत है, हॉस्पिटल की भी जरूरत है, सामाजिक संस्थाओं की भी जरूरत है, सबकी जरूरत है, सब एक दूसरे के साथ ही चलते हैं। तो आपको प्राण ऊर्जा चाहिए, आध्यात्मिक शक्ति चाहिए, आपको कुछ अच्छा काम करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कोई धर्म के साथ जुड़ना पड़ेगा, कोई मंदिर से वहां ही आपके कोई गुरु के पास से आपको उसकी ऊर्जा लेनी पड़ेगी, और आत्मा ही परमात्मा है, इसको आपको ध्यान रखना है। और सबसे पहले, पहला मेरा देश, दूसरा मेरा समाज, और लास्ट में मेरी फैमिली, ये आपकी प्रायोरिटी जीवन में होनी चाहिए, कि देश का नुकसान होता है तो
भले अपना खुद का जेब का नुकसान होता है ना, तो जेब का नुकसान भुगत लो, लेकिन देश का नुकसान मत करो। आप चाहे प्रॉपर्टी को नुकसान मत करो। हाँ, यहाँ लोग देखते हैं हम कि भी आंदोलन करने वाले सरकारी गाड़ी को जला लेते हैं, रोड को खराब कर लेते हैं, बिल्डिंग को तोड़ देते हैं आंदोलन करने वाले। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक ऐसी मानसिकता है, तब तक हमारे देश और हमारे समाज का उत्थान होने वाला नहीं है। तो अपनी थोड़ी नुकसान होती है तो उसको भुगत लो, लेकिन देश के लिए पहले सोचो, क्योंकि मेरे देश के लिए क्या जरूरी है वो पहले। तो लोगों की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, वो देश की आवश्यकता है। हेल्थ लोगों की होगी तो खर्चे देश के कम होंगे, मेडिकल खर्चे कम हो जाएंगे, तो देश का पैसा बचेगा, तो वो पैसा दूसरे काम में, अच्छे काम में लग सकता है। तो आप लोगों में हेल्थ अवेयरनेस की कुछ भी बात करते हो तो देश कार्य है, देश प्रेम ही है। अपने खुद के लिए तो है, लेकिन देश के लिए भी अच्छी है। और जीवन में शांति के लिए आपको हर काम छोटा नहीं लगना चाहिए। आपके घर वाली बीमार है तो आपको झाड़ू पोछा कर लेना चाहिए घर में, जरूरत पड़े तो रसोई करके घर वाली को खिलाना चाहिए। वो कोई भी काम है, छोटा नहीं है, ऐसा आप मानो और इसी तरह आप जियो। दूसरा कि आपकी उम्र हो गई है, 60 साल से आप बड़े हो गए हैं, आपको पेंशन मिली है, आपकी आर्थिक स्थिति ऐसी हो गई है कि अब पैसा कमाने की जरूरत नहीं है, तो फिर पैसे के लिए काम मत करो। जो समाज ने आपको मान सम्मान दिया है, जो आपको जीवन में कुछ सिखाया है, उसको वापस देने का टाइम है। तो आपकी जो पिछली उम्र है 60 साल के बाद की, वो समाज सेवा के लिए कुछ न कुछ होना चाहिए। साथ में दान, डोनेशन, डोनेशन के लिए भी आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जो विद्यादान है वो सबसे उत्तम है, दूसरा है धन समय का दान, और तीसरा है धन का दान। आपके पास ज्यादा पैसे है और आप पैसे दे दो, किसी के पास समय है और अच्छे काम के लिए वो समय दे रहा है, तो वो धन से समय का दान अति महत्व का है और ज्यादा प्रभावशाली है। और इससे ज्यादा तो है विद्या का दान, लोगों को ज्ञान दीजिए, इससे अच्छा और बड़ा और ज्यादा पुण्य देने वाला कोई धन नहीं है। ये आप ध्यान में रख के ही उसके हिसाब से आप अपने जीवन में काम करते रहिए। और साथ साथ में निर्व्यसनी जीवन, व्यसन नहीं करना और लोगों को व्यसन में से बाहर निकालना, ये भी हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। सोशल, समाज में जो कुरिवाज है उसमें से लोगों को बाहर निकलना, खुद भी बाहर निकलना, वो प्रयत्न आपका हर रोज चालू ही रहना चाहिए। और लोगों को ये कुरिवाजों में से बाहर निकालने का प्रयत्न करते रहे, और शुरुआत अपने घर से करो। हाँ, तभी इसका फायदा आपको मिलेगा। और योगाहारी बन के जीना है। हाँ, बिना भूख का भोजन नहीं जमना है, खाना है, बिना प्यास का पानी नहीं पीना है, चबा चबा के ही खाना है, और अपने देश में बनी चीजें सबसे ज्यादा इस्तेमाल करनी है। और हवा, पानी, लाइट, ये सब का जितना सेविंग हो सके, क्योंकि आप लाइट का गलत इस्तेमाल करो, पेट्रोल का गलत इस्तेमाल करो, इलेक्ट्रिसिटी को गलत लगाओ, और पानी के नल को चालू रखो, आपके घर के नल टपक रहे हैं, पानी निकल रहा है, तो ये भी भले आपके जेब के नहीं जा रहा हो, लेकिन वो भी देश का नुकसान है, ये आप ध्यान में रखिए। तो कायदे का पालन करना, ये, और भगवान शरीर का मालिक प्रभु है, आपका शरीर नहीं है, ये ध्यान रहे, ऊपर वाला है, उसका मालिक है, तो उन्होंने जैसा आपको शरीर दिया है वैसा ही शरीर आपको उनको वापिस करना है। और शरीर को जितना काम कराओ इतना ही भोजन करो, ये भी आप ध्यान रखें। और खुराक में भगवद गीता में भगवान ने बोला है कि तमोगुणी रजोगुणी खुराक नहीं खाना चाहिए, सात्विक आहार हमारा होना चाहिए। तो सात्विक आहार के ऊपर ध्यान रखेंगे आप, तो आपका जीवन में आध्यात्मिक शांति आएगी। और अपनी जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से ही अपने खर्चे होने चाहिए। गुजराती में कहावत है कि जितली चादर हो एटलो पग लांबा करवा जोइए, बराबर। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। आप नास्तिक या आस्तिक, ये दुनिया में नास्तिक आस्तिक जैसा कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि जो नास्तिक है वो भी किसी में तो आस्था रखते ही है।
तो ये सब क्योंकि जो विचारसरणी है वो कहीं ना कहीं तो सोच रखती है कि भी मैं इसको सच मानता हूं और इसको गलत मानता हूं, तो ये नास्तिक और आस्तिक जैसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो जीवन में आज मैंने जो जो आपको बातें बताई है, और कई बातें बताने की काफी रह जाती है, सब एक साथ कवर नहीं हो सकती है, तो ये जितनी बातें आपको मैंने बताई है वो सबके ऊपर आप ध्यान रखें, सबको जीवन में उसको उतारे, उसका अमल करने का प्रयत्न कीजिए, तो आपकी हेल्थ के साथ साथ आपका जीवन भी तंदुरुस्त हो जाएगा। और सब लोग ऐसे जीवन जिएंगे तो हमारा देश, हमारी पूरी दुनिया तंदुरुस्त समाज में कन्वर्ट हो जाएगी, और आने वाली भविष्य में जो समस्या है इससे हम बच पाएंगे, आपकी फैमिली, आपकी फैमिली को भी बचा पाओगे। तो हेल्थ के साथ जीवन कैसे हो अच्छा, इसके ऊपर हमने आज काफी बातें की है। हमारा मेन तो जो है ये जूम मीटिंग में हेल्थ के ऊपर जो कोई प्रश्न है तो उसके ऊपर चर्चा करना तो प्रायोरिटी होनी चाहिए, लेकिन हेल्थ के साथ साथ जो काम की चीजें हैं भी हम साथ साथ में लेते रहते हैं। हमारे पास अभी 3-4 मिनट बाकी है, किसी को किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो वो अपना मोबाइल वीडियो ऑन करे और हाथ हिलाए तो मैं उनको अनम्यूट करूं, तो इससे वो अपना कोई क्वेश्चन है तो पूछ सके। टाइम कम है। एक धर्मेश करके बहन है, उन्होंने हैंड रेज किया हुआ है, वो अपना अनम्यूट करे। जी माइक बोलो बहन, आवाज नहीं आता, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो, तमारू माइक अनम्यूट नहीं थे। हाँ सर, बोलो। नमस्ते। हाँ, ये प्रश्न ये छे कि मार पप्पा ने छे ने मोढ़ा में चिकास बहु आवे छे, अने हाल मा ते छे ने डायबिटीज आयु छे, કેટલી ઉંમર છે? એને 65 વર્ષ છે। હા એમને આપણો એનડીએસ નો પ્રયોગ કરાવો, યોગાહાર નો, એક ટાઈમ ઉપવાસ બપોર થી સાંજ કાચા ઉપર રાખો અને સાંજે એક જ વાર રાંધેલું ખવડાવો। ડાયાબિટીસ છે તો હા એમને ઘરે ફ્રૂટ્સ નહીં આપવાના, ખાટા મીઠા ફ્રૂટ્સ આપવાના, અને રાતે હા ઘઉં ચોખા જે અનાજ આપો છો એની જગ્યાએ તાંદરા કુદરી કે જે ઉપવાસના જે અનાજ આપણે ખાઈએ છીએ એ આપવાનું હા રાખો, તો ડાયાબિટીસ કંટ્રોલમાં રહેશે, અને બપોરથી સાંજ સુધી કાચા સાથે લીલું ખાવા આપવાનું, એટલે હા ઓટોમેટિક બધી સમસ્યાઓ ખતમ થઈ જશે। બહુ સિમ્પલ હા વસ્તુ ને છે, એટલે પ્રયોગ કરશો એટલે લાભ મળી જશે। બરોબર છે, એક વખત સ્ટાર્ટ કરો ને પછી તમને કઈ ક્વેશ્ચન હોય તો મને વોટ્સએપ કરવાનું, ફોન કરવાનું 4 વાગ્યાની આજુબાજુ, અથવા ઝૂમ મીટિંગમાં આપી મંગળ ગુરુ એ હોય છે એ વખતે। આ તો પેલી ચીકાશ તો મોઢા માં સતત પહેલેથી આ જે ડાયાબિટીસ નતું ત્યારથી આવે છે। એ બી બોડી ની જો કઈ બી ગડબડ થાય એનો મતલબ શું છે કે સિસ્ટમ્સ માં ક્યાંક કોઓર્ડિનેશન નથી થતું બોડી નું, એટલે ક્યાંક હા ગડબડી છે, ગડબડી ને ઠીક કરવા માટે કારીગરો અને સામાન ચાહીએ, બોડી ની સફાઈ થતી હા રહેવી જોઈએ, એટલે ઇન્ટરમીડિયેટ ફાસ્ટિંગ, 8 કલાકની વચ્ચે ખાવાનું, 16 કલાક નહીં ખાવાનું, ગ્રીન ખાતા રહો એટલે રિપેરિંગ નો સામાન કારીગર મળી જાય, ચાવી ચાવીને ખાવાની આદત પડાવો, દાંત હોય તો ચવડાવવા, ચાવીને ખાવાનું, ન હોય તો ક્રશ કરીને આપવાનું, ને લાર સાથે ઉતારવાનું, અનાજ ની અંદર ઘઉં લાડ ચોખાની બદલે લિટલ મિલેટ આપો, બસ આટલું કરશો એટલે એમને ધીરે ધીરે ફાયદો થઈ જશે બેન। બરોબર, ઓકે સારું હા થેન્ક મનીષા બેન, હેલો જી રાજેશભાઈ, રાત્રે કે સૂતી વખતે નસકોરા બહુ બોલતા હોય તો શું એના માટે શું કરી શકાય? નસકોરા બોલવાનું કારણ જે છે ને એ આપણા નાકની અંદર જે પડદો હોય એ લૂઝ થઈ ગયો હોય એટલે નસકોરા બોલાવે, એટલે કાં તો વધારે ફૂલી ગયો હોય કાં તો એના સ્નાયુ લૂઝ થઈ ગયા હોય, તો એનડીએસ કરાવો, નસકોરા બંધ થઈ જશે। હા, એક ટાઈમ ઉપવાસ 24 માંથી 8 કલાકની વચ્ચે ખાવાનું, અડધાથી વધારે કાચું ખાવાનું, ગ્રીન ખાવાનું, અને મોટાભાગે નસ